मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप लोग बता रहे थे कि महातबाही हो सकती है, मैं कहूँगी तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है, बेहद चुनौती ज्यादा है। विकास, आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके की इस वक्त तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। रौद्र रूप दिखाना इस तूफान ने शुरू कर दिया है। विपरजॉय, जिसका मतलब ही आपदा है, आपदा लेकर के आया है। ये माना जा रहा था कि द्वारकाधीश में जो है ज्यादा तबाही होगी और ऐसा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर लहरों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो हम ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, कोशिश हम करेंगे। आप देखिए तेज बारिश हो रही है यहाँ पर, किस तरीके से ये आप देखिए कि आगे ये जो लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है, तो खतरा बहुत ज्यादा है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, और वाकई क्योंकि ये अपने आप में अनुभव अलग है और टीमें तैनात है, लेकिन जिस तरीके से हवाओं की रफ्तार है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। और अभी तो समय है, लैंडफॉल में समय है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। विकास, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, आप महसूस कर पाएंगे जो लोग अभी देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है जिसको लेकर के केंद्र सरकार तैयार है, गुजरात सरकार पूरी तरीके से तैयार है, और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि द्वारका वो जिला जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता था, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था, और ये अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ है, क्योंकि जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आई थी, जो इस वक्त तकनीक है, उस तकनीक के जरिए सब कुछ देखा जा सकता है। मुझे 1998 का जो कांडला बंदरगाह पर तूफान आया था, वो तस्वीरें मैंने देखी, वो तस्वीरें देखी, और अपने अनुभव कर पा रही हूँ कि जो चक्रवात को वेरी सीवर कैटेगरी में रखा गया था, उसका मतलब क्या होता है, इसको इतना बड़ा खतरा क्यों कहा जा रहा था, ये अब हम महसूस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कल्पना नहीं थी कि ऐसा मंजर होगा, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा अनुभव हम करेंगे। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर भी इस वक्त आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लहरें हैं वो उफान पर हैं, हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है, 115 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार रहेगी जब लैंडफॉल होगा। लेकिन मुझे तो एहसास अभी ही जलजले जैसा हो रहा है, जैसे जब भूकंप हम महसूस करते हैं, जिस तरीके से पोल्स हिलते हैं, पेड़ हिलते हैं, लाइट्स हिलती है, उस तरह का अभी ऐसा ही एहसास हो रहा है। तो ये आप देखिए कि कैसा नुकसान यहाँ पर हुआ।